हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों आ गए हैं हम फिर से अपने काम के साइट पे। तो दोस्तों आज हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये दरवाज़ा, प्लाईवुड का दरवाज़ा जो है उसको हम आज फिटिंग करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला है प्लाई का दरवाज़ा। तो प्लाई वाला दरवाज़ा ये डेढ़ इंच का मोटा, इसके मोटाई डेढ़ इंच का है। देख सकते हैं ये 3 फीट का चौड़ाई है और 6.5 फीट लंबाई है। तो इसको हम फिटिंग करने वाले हैं। तो कुछ इस जगह पे यहाँ पे फिटिंग करेंगे दोस्तों इस प्लाई वाले दरवाजे का। तो चलिए फिटिंग करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने दरवाज़ा को जो है साइड साइड में रन्ना मार के तैयार कर लिया हूँ। तो दोस्तों इसके साइड साइड में ज़्यादा बड़ा नहीं था, हल्का सा बड़ा था, इसलिए हमने रन्ना मार कर इसको सही कर लिया हूँ। तो अब चलिए फिटिंग करते हैं इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हैंगर्स लगाने के लिए जो दाग लगा दिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे, और ये देखिए इस जगह पे भी, और हमने चौकट पर भी जो है लगा दिया है, देख सकते हैं दाग ये। तो अब चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने हैंगर्स का जो निशान है वो हमने कटिंग कर लिया हूँ। कटिंग करने के बाद देखिए, और उसके बाद हमने लगा भी दिया हूँ हैंगर्स, तीन हैंगर्स लगाया है। तो अब चलिए बिना देरी के इसको फिटिंग करते हैं फटाफट से। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये वाला दरवाजा तो फाइनली फिटिंग करके पूरी तरह से कर दिया हो कंप्लीट। ये वाला दरवाजा तो फाइनली हो चुका है, देख सकते हैं कितना आसानी से बंद हो जाता है। तो ये जो दरवाज़ा स्प्रिंग का माफी नहीं हो रहा है, कई लोगों का दरवाज़ा जो होता है इस तरह से बंद करने से निकल के बाहर आ जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, इतनी आसानी से बंद हो गया। तो अभी इसका हैंडल लगाने का सोचा था, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, पहले सारे दरवाज़ा फिटिंग कर लेता हूँ। तो अभी हम इस साइड में फिटिंग करने वाला है, यहाँ पे इस जगह पे फिटिंग करेंगे दरवाज़ा। तो इस जगह पे फिटिंग कर लेते हैं चलिए फटाफट से। तो दरवाज़ा यहाँ पर लेके रखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइका दरवाज़ा 3 पीस रखा हुआ है। तो 1 पीस तो उस जगह पे लगा दिया है, और अभी दूसरा वाला इस जगह पे लगाएंगे, और तीसरा वाला यहाँ पे लगेगा, और चौथा वाला इस जगह पे लगाने वाला है। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से लगा लेते हैं। दोस्तों हमने ये वाला दरवाज़ा भी जो है यहाँ पर साइज में रन्ना मार के पूरी तरह से तैयार कर लिया हूँ। तो अब इसको आराम आसानी से फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वाले दरवाजे को भी पहले साइज में कर लेते हैं। तो यह है दरवाज़ा, तो इसको भी चलिए फटाफट साइज कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमने इस वाले रूम पर भी जो है दरवाज़ा
लगा दिया है, तो अब इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। अभी देखिए ऊपर तरफ गैप है, अभी नीचे तरफ देखिए पूरा नीचे बैठा हुआ है, इसको उठाए उठाकर फिर हैंगर्स का निशान लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसका निशान लगाकर फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमने दरवाज़ा जो है फाइनली फिटिंग करके हो गया है कंप्लीट। इसके एल ड्रॉप जो होता है वो भी हमने लगा दिया है। तो देख सकते हैं हमने तीनों दरवाज़ा जो है फिटिंग करके कर दिया हूँ कंप्लीट। देख सकते हैं तो इसके अंदर से भी हमने जो है वो लगा दिया हो, टावर बल्ब जो है वो लगा दिया हो। तो इस तरह तो थोड़ा सा अंधेरा उसके वजह दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। और दोस्तों चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।